दोस्तों आज हम अपने वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ करने वाले हैं, और वो सवाल ये है कि आप सबसे ज्यादा एडिक्टेड किस चीज से हैं? आप में से कुछ लोगों का जवाब सिगरेट या शराब होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग किसी भी नशे का सेवन नहीं करते, वो भी जो उस चीज से एडिक्टेड है। जी हाँ, हैरान मत होइए दोस्तों, आपको जानकर थोड़ी और ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि उस सामान को आप पूरे दिन में ऑन एन एवरेज 2600 बार यूज करते हैं। दोस्तों जिस चीज से आज हम और आप एडिक्टेड हैं, वो सामान है मोबाइल फोन। हद तो कोरोना काल में हुआ, जानते हैं कैसे, हम बताते हैं। कोरोना काल एक ऐसा मौका था जब हम सब अपने अपने फैमिली के साथ थे, बावजूद इसके एक आंकड़ों के मुताबिक रोज हमने अपना 7 घंटे फोन चलाया। और सोचिए आप इन 7 घंटों को मोबाइल फोन पर क्या कर रहे थे, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, नहीं तो नेटफ्लिक्स पर मूवी। और दोस्तों आप जो 7 घंटे मोबाइल फोन पर दे रहे हो, उससे आपकी पर्सनल चीजें इफेक्ट हो रही है, जैसे कि आपकी स्टडी, आपकी हॉबी और पता नहीं क्या क्या। आपको भले ही ये बात सुनकर थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मोबाइल आपको दिमागी तौर पर कमजोर कर रहा है। आपने अपने आसपास लोग देखे होंगे कि 1 मिनट उनसे फोन दूर कर दो, वो भड़क जाते हैं। खैर आप माने या ना माने, लेकिन मोबाइल आज हम सबके लिए एडिक्शन बन गया, और आज की इस वीडियो में हम इसी एडिक्शन पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम इसे एडिक्शन के पीछे के लॉजिक को समझेंगे, साथ ही इसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको क्या करना है बताना, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों आप भले ही हमारी ये बात माने या ना माने, लेकिन इस फोन का एडिक्शन भी ठीक जुए, शराब के नशे या फिर सिगरेट और तो ड्रग एडिक्शन जैसा ही होता है। आपको भी लग रहा होगा हम किसी दो चीजों को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बॉडी के एडिक्शन को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो करती है, जिसे साइंटिफिक पैटर्न में डोपामिन पैटर्न बोलते हैं। क्या आपको पता है डोपामिन होता क्या है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। आपको पता ही होगा न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में सिग्नल को ट्रांसफर करना। एग्जाम्पल के लिए आप ऑक्सीटोसिन ले लीजिए, जिसको लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये हार्मोन रिलेशन में बॉन्डिंग के वक्त काम आता है। ऑक्सीटोसिन के अलावा आप सेरोटोनिन ले लीजिए, ये सेरोटोनिन आपके मूड को स्टेबल रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। खैर चलिए वापस आते हैं डोपामिन पर। अभी कुछ सालों पहले तक साइंटिस्ट यही समझते थे और बताते थे कि ये डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, लेकिन दोस्तों ये चीज सच नहीं है। अभी हाल ही में हुए रिसर्च में माना गया कि जो खुशी हम फील करते हैं, दरअसल वो डोपामिन की वजह से नहीं बल्कि एंड्रोफिन की वजह से होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी बॉडी में वो एंड्रोफिन ही होते हैं जो हैप्पीनेस बूस्टर का काम करते हैं और पेन रिलीवर का काम करते हैं। बात अगर डोपामिन की करें तो इसका कनेक्शन होता है रिवॉर्ड से। जैसा कि हमें पता लगता है इस बात से हमें खुशी होगी, वैसे ही डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप जरा अपना बचपन याद कीजिए, जब शाम को आप अपने पापा के आने का वेट करते थे। आपको पता था कि पापा अगर आएंगे तो आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट लेकर जरूर आएंगे। अब भले ही आपको ये ना पता हो कि पापा कब आने वाले हैं, आपने चॉकलेट भी टेस्ट नहीं किया, लेकिन आप उस इंतजार में भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, और उस वक्त आपका डोपामिन हाई हो जाता है। आप उस चॉकलेट के बारे में सोचने लग जाते हैं, और ये किसी भी इंसान के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल है। हमारी आपकी बॉडी में इस डोपामिन का ऑप्टिमम लेवल होता है, बस ये ज्यादा हाई और लो नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही वो एक्साइटिंग चीज आपको मिल जाती है, वैसे ही आपका डोपामिन बेस लाइन से नीचे चला जाता है, और वही एक्साइटिंग चीज जब आपको रोज रोज मिलने लगती है, तो फिर डोपामिन नॉर्मल लेवल पर रहने लगता है। इसकी वजह से आपका प्लेजर खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पापा रोज आपके लिए चॉकलेट लेकर आ रहे हैं, तो क्या 10वें दिन भी आपके अंदर सेम खुशी या एक्साइटमेंट होगी? नहीं ना। ये एक ट्रेडमिल की तरह है, जहां आपको हमेशा चलते रहना पड़ता है उस लेवल की खुशी पाने के लिए। यही चीज आपके हर चीज पर एप्लीकेबल होती है। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान थोड़ी मात्रा में भी ड्रग को लेता है, तो उस ड्रग से उसे काफी ज्यादा नशा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उस थोड़े से ड्रग से पहले जैसी खुशी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसे ड्रग ज्यादा मात्रा में लेनी पड़ती है। ठीक मोबाइल फोन के एडिक्शन में कुछ ऐसा ही है। आपके फोन पर जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है, आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, और उसी वक्त ये डोपामिन रिलीज होता है। जैसे किसी ने आपकी फोटो लाइक कर दी, या किसी ने आपके फोटो पर कुछ अच्छा कमेंट कर दिया, तो वहां पर आपको एक खुशी महसूस होती है, एक रिवॉर्ड मिलता है।
और ब्रेन उस बात को पकड़ लेता है और कहता है इस चीज से खुशी मिलती है तो मुझे ये काम दोबारा करना है। पहले आप जहां 1000 लाइक्स से खुश हो जाते थे, वहां आपका ब्रेन सोचता है कि अब मुझे 10,000 लाइक्स चाहिए, जिसके बाद आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर गोल गोल घूम रहा होगा कि जब इन सारे कामों में बॉडी का न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है, तो फिर हम उन सभी कामों से एडिक्टेड क्यों नहीं हो जाते? तो इसके पीछे भी दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है इजी तो एक्सेस, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीडी रिवॉर्ड। अगर आपको रोज रोज चॉकलेट मिलने लगे तो यकीन मानिए आप उसके भी एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि शुगर एडिक्शन भी होती है। लेकिन आप यूपीएससी या फिर आईआईटी क्लियर होने का एडिक्शन आपको इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये खुद में एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले 1 साल लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आपको पैसे का एडिक्शन भी लग सकता है, बशर्ते वो पैसा बहुत इजी तरीके से आपके पास आ रहा हो। और यही बात जुए यानी गैम्बलिंग में होती है। जो लोग कसिनो में जाकर पैसे लगाते हैं उन्हें पता होता है कि हम यहाँ से कुछ देर में ही पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वो इजी टू एक्सेस है और रिवॉर्ड भी बिल्कुल इंस्टेंट है। खैर एग्जांपल बहुत हुआ, चलिए अब आप इसे सोशल मीडिया के नजरिए से देखिए। दोस्तों सोशल मीडिया और ये फोन बहुत ही ज्यादा इजी है एक्सेस करने के लिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और सोशल साइट। आपको लॉक खोलने के बाद सिर्फ एक क्लिक करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इससे आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, आपके फोटो पर लाइक और कमेंट्स। फेसबुक छोड़ अगर आप इंस्टाग्राम देखिए या यूट्यूब देखें, जिसको देखने के बाद आपको हंसी आ रही है, तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है। इन सब में सबसे ज्यादा इजी तो एक्सेस था टिकटॉक। आपको बस स्वाइप करना है, अगर आपने स्वाइप भी नहीं किया तो खुद से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। अब आप खुद समझिए ये सोशल नेटवर्किंग साइट कितने इजी टू यूज है, और पता है ये सभी चीजें आपके साथ जानकर की गई है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना, जिन लोगों ने इन सोशल नेटवर्किंग साइट को बनाया है उन्होंने इस चीज के बारे में काफी डिटेल से सर्च किया है, उनके बारे में पढ़ा है कि लोग किस चीज से बहुत आसानी से एडिक्ट हो जाते हैं, और इसलिए उन्होंने आपको इस जाल में फंसाया। आज से पहले जब आपने फेसबुक चलाया होगा तो आपको पता होगा, पहले जब आपके फ्रेंड्स के पोस्ट खत्म हो जाते थे तो स्क्रॉलिंग खत्म हो जाती थी, लेकिन आज देखिए फेसबुक आपको कुछ ना कुछ आपको दिखाता ही रहेगा। सोचते तो हम सभी नई नई चीजों का एक्सप्लोर करना, अपनी हॉबी पर काम करना, लेकिन लास्ट में अटक जाते हैं हम यहीं पर, क्योंकि ये बहुत इजी होता है हमारे लिए। अब आते हैं इस एडिक्शन को रोका कैसे जाए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी आपको उन्हीं दो चीजों में मिलेगा, इजी टू एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड। सोचिए आज के जमाने में कितना आसान है किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करना, लेकिन सोचिए अगर ये मुश्किल होता तो क्या आप एडिक्ट होते? सबसे पहले तो आप अपने फोन से इन एप्स को डिलीट कर दो। अगर आपको इन्हें खोलना ही है तो आप इन्हें ब्राउजिंग से खोल लीजिए या फिर लैपटॉप पर। अब ये खोलने में इजी रहेगा ही नहीं तो एडिक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपने फोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका माइंड कोई भी रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वैसे भी दोस्तों सोल्यूशन आपके एडिक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपका एडिक्शन ज्यादा नहीं है तो आप सिर्फ अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, पर अगर आपको लगता है कि आपका एडिक्शन हाई है तो ऐप डिलीट कर दीजिए। एडिक्शन और ज्यादा है तो इन सोशल नेटवर्किंग साइट को प्राइवेट ब्राउजर में खोलो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हर वक्त पासवर्ड बदलना पड़ेगा, जिससे आपको ये मुश्किल होगी। जितना ज्यादा एक्सेस हार्ड होगा एडिक्शन उतना ही कम हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, आपको अपने फोन से एडिक्शन है? कमेंट में बताइए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।